देखिए देवघर में एक बड़ा हादसा हुआ है। लगातार हम आपको बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। शीतल होटल के पास एक पुराना मकान ढह गया है। अब बता दें कि एनडीआरएफ की टीम जो है लगातार बचाव कार्य कर रही है और इसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। दो लोगों की मौत की भी सूचना आ रही है, हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस हादसे में मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक एनडीआरएफ की टीम ने एक महिला समेत अब तक 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। इधर इस घटना की जानकारी के बाद मौके पर बीजेपी विधायक नारायण दास और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पहुंचे हैं। तो लगातार एनडीआरएफ की टीम जो है प्रयास कर रही है फंसे हुए लोगों को निकालने की जो है जद्दोजहद में लगी हुई है। एक महिला समेत 7 लोगों को जो है निकाला गया है। हालांकि 2 लोगों की मौत की जो है खबर आ रही है सामने, लेकिन अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं हुई है। लेकिन अभी भी बहुत लोग जो है मलबे के अंदर फंसे हुए हैं और इस वजह से एनडीआरएफ की टीम लगातार प्रयास कर रही है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत होने की जो है सूचना आ रही है। और आपको बता दें कि करीब 5 बजे सुबह में जो है यह हादसा हुआ और 3 मंजिला मकान ढह गया पूरी तरीके से। यहाँ पे समय पर पहुंच चुकी है और हम लोग की जो पूरी टीम में सदस्य हैं वो पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। अभी बीम को काटा जा रहा है। यहाँ से एक महिला से कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ है जिला प्रशासन और इंडिया हेल्थ की टीम का। वो होश में है, उनके हाथ में मूवमेंट भी हो रहा है, बात भी कर रही है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी यहाँ पे सर्वाइवर्स उनको निकलवा दें। मुझे सुबह 6 बजे घटना की जानकारी मिली, तब से मैंने जो है गृह मंत्रालय को फ़ोन किया, यहाँ के प्रशासन को फ़ोन किया। संयोग ये है कि आपको पता है कि श्रावणी मेला में जो हादसा हुआ था आज से 8-10 साल पहले, उसके बाद से एनडीआरएफ की परमानेंट एक टीम जो है वो देवघर में पोस्टेड रहती है। उसी का ये फ़ायदा है कि ये जल्दी से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हो गया है और अभी भी काफ़ी लोग फंसे हुए हैं और मुझे लगता है कि एनडीआरएफ की टीम जो है जल्दी इसको निकाल लेगी। जानकारी हमको मिली तुरंत, हमने डीसी साहब को फ़ोन किया। डीसी साहब ने बताया कि हम घटनास्थल पर ही हैं और तुरंत हम भी यहाँ आए हैं। पूरा प्रशासन लगी हुई है, पूरी टीम लगी हुई है, जनता भी यहाँ खड़े हैं। निश्चित रूप से घटना बहुत दुखदायी है, इसकी भगवान सबको सुरक्षित रखे यही। और इस पर जानकारी के लिए अमरनाथ संवाददाता देवघर से जुड़े हैं। अमरनाथ, अब तक फिलहाल क्या कुछ अपडेट आ रही है? हालांकि 2 लोगों की मौत की भी जो सूचना आ रही है, क्या कितनी सच्चाई है? कितने लोग मरे, कितने लोग बचे, कितने लोग अभी तक अंदर है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, ये घटना सुबह 5 बजे की है और अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। बताया गया है कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक का उम्र लगभग 60 साल है और दूसरे का उम्र लगभग 40 से 50 के बीच का है। दोनों पुरुष हैं जो मरे हैं। और मैं आपको बताऊं कि और लगभग 3 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। एक बच्चा था जो काफी जख्मी हालत में था, उसको भी चिकित्सकों ने बचा लिया है। साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जितने भी जिले के आला अधिकारी हैं सब घटनास्थल पर मौजूद हैं और लगातार बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं और एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। एनडीआरएफ की टीम के मैं बारे में आपको बता दूं कि लगभग 7-8 साल पहले जो यहाँ घटना हुई थी, भगदड़ हुई थी, उसके बाद से लगातार गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के प्रयास के बाद यहाँ एनडीआरएफ की टीम यहाँ लगातार मौजूद रहती है। और उसी का फायदा आज मिला है कि जैसे ही घटना की जानकारी एनडीआरएफ को मिली, एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई और लोग और बचाव कार्य में जुट गई है। और उसी का परिणाम है कि जो अभी तक जो बचे हुए जो लोग निकल पाए हैं, ये एनडीआरएफ की टीम की जल्दी पहुंचने का ये परिणाम है। साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जिले के जितने आला अधिकारी हैं, सीसी हो, एसपी हो, एसडीएम हो, सीओ, सारे लोग पहुंचे हुए घटनास्थल पर और लगातार बचाव कार्य में लगे हुए हैं कि कैसे जो उस मलबे के भीतर जो फंसे हुए लोग हैं कैसे उनको जल्दी से जल्दी निकाला जा सके। हालांकि मैं आपको बताऊं कि ये पूरा का पूरा ये मकान जो था, ये 3 मंजिला मकान था और 3 मंजिले मकान ने और पुराने जमाने से ये बना हुआ था और यही कारण है कि अचानक ये मकान आज गिर गया। 3-4 दिन से काफी बारिश भी हो रही थी, उसका एक भी कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि उसका भी असर होगा। और साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ जो मकान बनाया गया था, जिस मकान में कैजुअल्टी हुई है, उस वो पुराने जमाने का मकान था, बगैर पिलर का मकान था और उसके ऊपर 3 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई थी, उसके कारण भी ये घटना हुई है। और नीचे उसको हॉल बनाया जा रहा था,
उसके आगे कई दुकान थे, बताया जा रहा है कि उसमें कुछ दुकान वाले भी दब करके दबे हुए हैं उसमें, कई एक स्टेट बैंक का ड्राइवर है, उसके अलावा उसकी पत्नी थी है, उसके बच्चे हैं फंसे हुए हैं, और भी कई लोग हैं जो कि रेंटर हैं, वो उस मकान में किराए पर रहते थे, वे लोग फंसे हुए हैं। कुल मिलाकर भी हम बताएं तो लगभग बताया जा रहा है कोई आधा दर्जन, कोई एक दर्जन की बात कर कहा जा रहा है कि लोग फंसे हुए हैं। जब तक पूरा मलबा हटाया नहीं जाता है तब तक ये नहीं स्पष्ट हो पाएगा कि कितने लोग इसमें फंसे हुए हैं, क्योंकि सावन का आने वाला है और उसको लेकर के देवघर में भीड़ अभी से ही उमड़ने लगी है, और उस कारण से काफी लोग आए हुए थे लोग, इसलिए अब देख बताया नहीं जा सकता अभी से कि कितने लोग वहां थे। हालांकि सुबह का वक्त था, यही ये है कि कैजुअल्टी जो भी हुई होगी कम मात्रा में हुई है। जी चलिए अमरनाथ, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। तो देखिए ये हादसा सुबह 5 बजे के वक्त जो है हुआ है, और 3 मंजिला ये मकान ढह गया है पूरी तरीके से, और इसके अंदर दबे कुछ काफी लोग दबे हुए। हालांकि आपको बताया 2 लोगों की मौत हो चुकी है, इसकी पुष्टि की जा चुकी है। इसके बाद 2-3 लोगों को जो है भर्ती कराया गया अस्पताल में, घायलों का इलाज चल रहा है, और भी लोग अंदर फंसे हुए हैं, उन लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि 7-8 लोगों को जो है बाहर सुरक्षित NDRF की टीम के द्वारा निकाल लिया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।